अब एक नई खबर सामने आई है। कानपुर से हम बात कर रही हैं, जहां एक भड़काऊ पर्चा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है इस पर्चे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आपके घर पर रोजाना इसी तरह रोज सुबह अखबार फेंका जाता होगा। आजकल उन अखबारों में विज्ञापन वाले पैम्पलेट भी जरूर होते हैं। आमतौर पर वैसे पैम्पलेट को लोग फेंक देते हैं, लेकिन कानपुर में अखबारों के भीतर फेंका गया पैम्पलेट चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका कनेक्शन भी चुनावी है। यूपी में चौथे चरण के लिए नामांकन का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच घर घर पहुंच रहे कुछ पर्चे पर लोगों के बीच खूब चर्चे हो रहे हैं। अखबारों के जरिए आए इन पर्चों में 12 सवाल छपे हुए हैं। देखने वाले इन्हें भड़काऊ पर्चों की तरह देख रहे हैं, तो कुछ इसे शरारत बता रहे हैं, लेकिन पर्चों को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। इन पर्चों पर लव जिहाद, पलायन और धर्मांतरण पर लगाम लगाने वाले कई सवाल छपे हैं। कुल 12 सवाल छपे हैं। कुछ सवालों पर गौर कीजिए। क्या हिंदू मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से हिंदुओं का पलायन रुका है? क्या शुक्रवार को नमाज के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर होने वाला अतिक्रमण रुका है? क्या लव जिहाद और एंटी रोमियो ऑपरेशन से बच्चियों के अगवा होने का षड्यंत्र रुका है? क्या रामलला मंदिर बनने और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को विश्वास मिला है? क्या जात पात और पंथ भेद में बटा हिंदू फिर से एकजुट हुआ है? इस तरह के और भी कई सवालों के साथ पर्चे में लिखा है कि अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर योगी के सिवा किसी की जरूरत नहीं। वैसे तो इस पर्चे पर किसी भी संगठन या पार्टी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें छपी बातों के दम पर विपक्ष को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं और समाज में हर आदमी अब जागरूक हो चुका है। आज लैपटॉप और इंटरनेट का जमाना आ चुका है, हर आदमी के फोन में सारी चीजें मौजूद हैं। हमने लोगों के लिए क्या करा है वो उनसे छुपा नहीं है। और खास तौर से मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूं, जो ये इनकी बी टीम है, पर्दे के पीछे जो ये काम करी दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है कि चुनाव के समय में कैसे पर्चे, आज नहीं है ये 25 साल से बातें जा रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता के मुताबिक चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा। ना तो उन पर्चों में किसी प्रकाशक का नाम है और ना ही किसी संगठन का नाम है, तो मुझे लगता है कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग उसको अगर संज्ञान मिलेगा तो अपने हिसाब से जो विधिक कार्यवाही होगी वो करेगा। कुछ मुद्दे उसमें अवश्य ऐसे हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, तो हमारे मुद्दे किसी से छुपे हुए नहीं है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान में विश्वास करके चलने वाले संगठन हैं। जब कानपुर के डीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने वही जांच वाला रटा रटाया जवाब दिया। इसमें हम लोग बहुत ही सेंसिटाइज्ड हैं कि इसको जांच कराएं, एंड इस तरह का अगर कोई हेट सेंटिमेंट या कम्युनल सेंटिमेंट कोई फ्लेयर अप करना चाह रहा है तो उनको बिल्कुल उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। ABP News, आपको रखे आगे।